और कानपुर में ट्रेन वाली साजिश से जुड़ी बड़ी खबर, 10 से 12 लोगों से पूछताछ अभी भी जारी है और इसके अलावा दो हिस्ट्री शीटरों को हिरासत में लिया गया है। 10 से 12 लोगों से पूछताछ जारी है, जमात या बाहर के लोग, कुछ लोग की भी जांच चल रही है और मिठाई के जिस डिब्बे में पेट्रोल और बारूद मिला है वो उस डिब्बे की भी जांच हो रही है। माचिस कहां से मिली इसकी भी जांच हो रही है। एटीएस ने मौके से सबूत जुटाए हैं और देर रात मौके का एटीएस ने मुआयना भी किया था, कुछ सबूत भी जुटाए गए थे। आपको बता दें कि कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होते होते बची। जानकारी के अनुसार कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर सिलेंडर रखे जाने की खबर मिली। ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी जिसकी वजह से ट्रेन को रोकते रोकते ट्रेन सिलेंडर से जा टकराई। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, ट्रेन डीरेल होने से बच गई और ये बड़ी साजिश नाकाम हो गई। फिलहाल FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर RPF के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई हम चलाएंगे। जेडीयू की मिशन झारखंड से जुड़ी खबर, जेडीयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक और बैठक के बाद संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया है, बीजेपी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सीटों पर बाद में बात बनेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन होगा और एक महीने तक ये जेडीयू का कार्यक्रम चलेगा, जिसकी सूचना जिसकी जानकारी संजय झा ने दी है। तो USA से राहुल गांधी का PM पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास से राहुल गांधी ने RSS और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि RSS ये मानती है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों का मेल है जिसमें सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। पीएम मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस चुनाव में लोगों को समझ आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के संविधान पर हमला किया है। वी बिलीव दैट एवरीबॉडी शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट। We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर एक कार्यक्रम में भारत को लेकर कई बयान दिए हैं। राहुल गांधी ने देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर बात की। राहुल ने कहा कि भारतीय राजनीति में प्यार, सम्मान और विनम्रता गायब है। वहीं राहुल ने रोजगार के मसले पर चीन की तारीफ की। अब राहुल के इन बयान पर भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था, वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ करे।
विजय सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के पास विकास का कोई विजन नहीं है। दुर्भाग्य है कि आज विपक्ष में बैठा व्यक्ति एक देश का युवराज जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, राजनीतिक धरातल सच्चाई को न जानते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं, न कोई विजन है उनके पास। जो लिख के देता है, जो समझाता है, वही वो बोलते हैं। वही हार बिहार में भी एक युवराज तेजस्वी यादव जी का है। अरे बिहार की सच्चाई को जानिए। बिहार के अंदर, देश के अंदर जब भी विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर अलग अलग क्षेत्र में रोजगार का अवसर पैदा होता है। आज आप देख लें, अनुमान लगा लें कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर उड़ रहा है और इसकी संख्या दिनों दिन कई गुना बढ़ रही है। जहां एक एयरपोर्ट था, आज आधे दर्जन एयरपोर्ट बनाने की जरूरत महसूस कर रही है। ये यहाँ के लोगों के आय का एक नया प्रमाण है। पटना सिटी से बड़ी खबर है, जहां पटना सिटी में स्नैचिंग के दौरान बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि तीन बाइक सवार अपराधियों ने पहले चेन स्नैचिंग की कोशिश की और जब इसका विरोध करने लगे तो बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। चौक थाना क्षेत्र की घटना है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसमें तीन बदमाश चेन छीनने के बाद बीजेपी नेता की हत्या करते हैं। अपराधिक तत्व द्वारा जख्मी कर दिया गया है और जिन्हें उनके परिजन अस्पताल ले गए जहां उनके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है तथा अन्य तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। घटना के संबंध में अग्रतर जानकारी वही आवाज खाली लगा, हम लोग दौड़ के गए तो देखे वहाँ गिरे हुए। कहाँ जा रहे थे? ऑटो लाने के लिए जंक्शन जाना था को छोड़ने के लिए। उसी क्रम में हम दौड़ के देखे तो गिरे हुए थे। क्या करते थे? पूजा पाठ कराते थे पंडित जी। कहाँ रहते थे? रामदेव में तो नई सड़क चौक मंगल तला। कहाँ पे इनको गोली मारी गई है? वो तो नहीं पता क्या मारी गई है। इस जगह पे कहाँ पे गोली? मंगल तला। टेम्पो लेने के निकले, साढ़े चार बजे के आसपास, 10 मिनट हो गया नहीं आए। बहनों को बोली भैया तुम जाओ देखा गया बाबा का, तो हम भी निकले मंगतला मोड़ पे, देखे थे गिरे पड़े। तो कहाँ मतलब क्या लग रहा है कि मतलब लूटपाट के दौरान मतलब क्या किया है या कोई दुश्मनी इस तरह का? ये छिनछोड़ी में हत्या की गई है। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता की हत्या पर आक्रोश, सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार जारी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस घटना पर दुख जताया है। विजय सिन्हा ने कहा कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। नए डीजीपी आए हैं, पूरे सख्त हैं और पूरी तरह से एक्शन लेंगे। प्रशासन पर दबिश बढ़ाई जा रही है और निश्चित तौर पर जो अपराध को, भ्रष्टाचार को पोषित करने की मानसिकता है उस पर अंकुश लगेगा। बिहार के अंदर अपराधियों के लिए कोई भी संरक्षित करने वाला अब नहीं बचेगा। बीजेपी नेता की हत्या पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दुख जताया। ये मन की तकलीफ और पीड़ा देने वाली घटना है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रहा है। अपराधी तुरंत पकड़े जाएंगे और सख्त कार्रवाई होगी। व्यक्तिगत रूप से जुड़ा था, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता है और बहुत ही मन को तकलीफ और पीड़ा देने वाली यह घटना हुई है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अपराधी तुरंत पकड़े जाएंगे और कठोरतम सजा उनको मिलेगी। यह हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही तकलीफ का क्षण। पटना में बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की हत्या पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि वे इस घटना से अचंभित हैं, मर्माहत हैं। पुलिस जांच कर रही है, इस घटना में शामिल अपराधियों को कठोर सजा मिलेगी। देखिए, निसंदेह एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या से हम सब भी अचंभित हैं और मर्माहत भी हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है,
इस घटना के लिए जवाबदेह लोगों को कठोरतम सजा मिले, ये पुलिस मुख्यालय का संकल्प है। और निसंदेह जो अभी तक की उनकी कोशिशें हैं तार्किक परिणति पर बहुत जल्द वो पहुंचेंगी और जो हत्यारे हैं वो जेल के शिकंजों के पीछे होंगे। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर पुलिस का बड़ा बयान, ग्रामीण एसपी ने कहा लूटपाट के क्रम में नहीं हुई हत्या, अपराधी टारगेट करके आए थे, हत्या की हो सकती है दूसरी वजह, पुलिस कर रही सभी एंगल से जांच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाड़ा अनुमंडल के बख्तियारपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन करनौती के पास बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। फिर सीएम नीतीश ने बेलची प्रखंड में आवासीय प्रखंड और अंचल नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। आपको बताएं कि 20,45,77,000 रुपए की लागत से प्रखंड भवन का निर्माण किया गया है। आज यहाँ हुआ है ये का थाने का शिलान्यास हुआ है, ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है और हॉस्पिटल का तो शिलान्यास यहाँ पहले का हो गया था, पहले 8.5 करोड़ यहाँ जमीन की बहुत कमी थी, तो हमने फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला कि नहीं आप उतना ही जमीन में ऊपर ले जाइए हॉस्पिटल को, कुछ मंजिला बना दीजिए, लिफ्ट बढ़िया लिफ्ट दे दीजिए उसमें, तो पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो ऐसा नहीं होता तो हॉस्पिटल ही कैंसिल हो गया था, कि जमीने नहीं है तो कैसे बनेगा ये। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज बाढ़ में हैं, जहां कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। सीएम नीतीश बाढ़ पहुंचने पर अचानक पूर्व विधायक अनंत सिंह के गांव पहुंच गए। सीएम ने लदवा में अनंत सिंह से मुलाकात की और इससे पहले 26 अगस्त को अनंत सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। चर्चा है कि अनंत सिंह 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं, इसे लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान खुद तैयारियों का जायजा लेने जमशेदपुर में हैं। उन्होंने टाटानगर रेलवे स्टेशन और गोपाल मैदान का निरीक्षण किया। पीएम मोदी के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है। इसमें 3 प्रमुख कार्यक्रम होंगे। सबसे पहले पीएम मोदी टाटानगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम हर गरीब का अपना छत, इसके तहत राज्य में 1,13,000 लाभुकों के खाते में आवास के लिए पहली किश्त जारी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का रोड शो और गोपाल मैदान में विशाल जनसभा भी होगी। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, जनता में भी, और जनता ने कार्यकर्ताओं ने तय किया कि प्रधानमंत्री जी की एक विराट सभा और होगी और उसके पहले जनता और विभिन्न संगठन प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, तो वे रोड शो भी करेंगे, जनता को अभिवादन स्वीकार करेंगे, जनता का आशीर्वाद भी लेंगे और एक विराट सभा को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के बाद अब हिमंता विश्व शर्मा भी झारखंड आ रहे हैं। हिमंता विश्व शर्मा आज रांची आएंगे, उत्पात सिपाही की दौड़ में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के घर जाएंगे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना देंगे। हिमंत विश्व शर्मा सरमाकाय बीजेपी प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के रांची के कूचू स्थित घर जाने का भी कार्यक्रम है। वे 10 सितम्बर को सुबह 8 बजे रांची से असम के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। बिहार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन और औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह बोकारो पहुंचे और सर्किट हाउस में बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। हम लोग पूरे तन मन धन से लगकर ये चाहेंगे कि झारखंड के अंदर एक ऐसी सरकार हो जो स्थिर भी हो, सशक्त भी हो और ईमानदार भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती यही है कि हमारे पार्टी के दृष्टि से जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, अन्य राज्यों से पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ के प्रमुख लोगों को भेजा जाता है कि आप जाइए, अपने परिवार में अगर चुनाव कहीं भी हो रहा है तो हम लोग जाकर वहाँ पर सहयोगी की भूमिका में काम करते हैं। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने आरक्षण के सवाल पर लालू प्रसाद को घेरा, कहा कि लालू प्रसाद अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए व्याकुल हैं। सांसद ने कहा कि लालू प्रसाद सिर्फ वोट के लिए जाति और आरक्षण का खेल खेल रहे हैं, जबकि बिहार की जनता सब कुछ जानती है, लालू प्रसाद के शासनकाल को जनता आज तक भूली नहीं है।
उनको गरीब के उत्थान से कोई लेना देना नहीं, स्वयं और परिवार के उत्थान के लिए ही ये पूरी जिंदगी कट गई, आधा अंदर आधा बाहर। अब अंतिम मौका उनको लग रहा है कि हम अपने पुत्रों को किसी तरह से मुख्यमंत्री बना लें, और ये वही विषमता पैदा करना चाह रहे हैं जो अपने कालखंड में किया। लेकिन लोग जागृत है, बिहार में आप देख ही रहे हैं कि जो गत लोकसभा चुनाव हुए, इतना दुष्प्रचार और कुप्रचार, सामाजिक उथल पुथल करने का जो सुनियोजित रचना रचे, उसके बावजूद भी एनडीए को 30 सीट यहाँ 40 मिला। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में अफीम, गांजा और चरस तस्कर काफी सक्रिय हैं। पुलिस को स्थानीय लोगों ने शिकायत की, तब पुलिस एक्शन लेते हुए वहां के घरों में तलाशी अभियान चलाना शुरू किया। हालांकि पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन पुलिस ने लोगों से नशे के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। के लिए लगाना रहा लोग, बोल दिया गया कि माफी मत लगे, जब तक कोई मानिक अगला पर धोना निकलता है टावर मत लगाइए। नशीला दवा का भी कारोबार का ये लोग आवेदन दिए हुए हैं। दावा ऐसे कहें हम लोग बेटा, दावा का ऐसा कोई नशीला पदार्थ नहीं बना ना उसमें बोला। अगली खबर राजधानी पटना से, जहां दानापुर के नौबतपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद सभी कार सवार मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के सहारे कार को उठाया। जब कार को उठाया गया तो अंदर से भारी मात्रा में शराब की कार्टन बरामद की गई। पुलिस ने कार और शराब को जब्त कर लिया है। मामले की तहकीकात लगातार जारी है। आरा के तरारी प्रखंड में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। जब्त शराब की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। जिस मकान में ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, उस मकान को सील कर दिया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और यहां से बनी शराब दूसरे जिलों में भी भेजी जाती थी। आरोपी 2012 में भी जेल गया था और वहां से आने के बाद इस फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। गोपालगंज में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा। अब तक 31 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। सभी का इलाज अस्पतालों और निजी अस्पतालों में चल रहा है। बारिश होने के कारण लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की अपील की है। सदर अस्पताल की तस्वीरें भी कुछ वैसी ही नजर आई। डेंगू से मिलने बचाव का ये नेट वगैरह घर में इस्तेमाल करें और सफाई से रहें, है ना, जो कि कुछ भी मतलब मच्छर वगैरह आए नहीं घर में, है ना। और जो है अगर हो जाता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, है ना, अपना प्लेटलेट काउंट देखना है, काउंट कराएं और उसके बाद से डेंगू से जांच कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, क्योर करें। देवघर में इन दिनों डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देवघर सदर अस्पताल में हर दिन औसत 8 से 10 डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। हालांकि डेंगू के लिए देवघर सदर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात रंजन ने बताया कि हर दिन अस्पताल में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्लेटलेट जांच के साथ साथ अन्य दवाइयां सदर अस्पताल में मौजूद हैं और इसके अलावा सभी डेंगू मरीजों को विशेष ध्यान में रखा जा रहा है। राहत की बात है कि अब तक जितने भी डेंगू मरीज की पहचान हुई, सभी खतरे से बाहर हैं। की जांच भी करना आरंभ हो चुका है। बीच में हमारे पास किट इसकी उपलब्ध नहीं थी, अब किट आ गई है, जांच हमारा प्रारंभ हो चुका है और प्लेटलेट का भी मॉनिटरिंग करने की सीबीसी मशीन भी हमारे यहाँ लग गई है। तो डेफिनेटली हम लोग इससे लेने की, जो भी हमारा जो रोल रहेगा वो रोल का हम लोग अच्छे तरीके से। चल यार धक्का मार, पटना पुलिस पर यह कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है। पटना पुलिस का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक गाड़ी को लगातार धक्का मार रहे हैं। दरअसल पटना की पेट्रोलिंग गाड़ी बीच सड़क पर ही बंद हो गई। पटना पुलिस के जवान सड़क पर उतरकर गाड़ी को धक्का देने लगे और किसी ने इसका वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। धनबाद गोल्फ ग्राउंड में मासस और माले पार्टी का विलय होने जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बगोदर से भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड अलग होने के बाद राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन है। मासस के माले में विलय से मजदूर और आम लोगों के हौसले को एक नई उड़ान मिलेगी। दोनों पार्टियों के एक साथ मंच पर आने के बाद धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा जैसे इलाकों में लाल झंडे की दावेदारी एक बार फिर से बढ़ जाएगी। गोल्फ मैदान में एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और इसमें तमाम हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य लोग होंगे और पूरे एक बार फिर से गोल्फ मैदान जो है लाल झंडा लहराएगा
और मासस और मालिक की सेकता से, मासस के मालिक के सिविलाइज से, यह जो गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो का खास रूप की छोटा नागपुर का इलाका है, एक बार फिर से मजदूरों मेहनतकशों की राजनीति को तो आगे बढ़ेगी ही, लेकिन पूरे राज्य में जो भी आवाम, जो लोग एक बेहतर राजनीति करते हैं, उन तमाम लोगों को प्रेरणा देगी। गढ़वा के रंका अनुमंडल क्षेत्र के रंका, रमकंडा और चीनिया प्रखंडों में हाथियों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले कई दिनों से 50 हाथी झुंड बनाकर गांव में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों के उत्पात से शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जा रहे हैं। दूसरी तरफ हाथी खेत और घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। पिछले 2 दिसंबर को हाथियों ने पटक कर एक शख्स को मार डाला था। लोगों का आरोप है कि वन विभाग हाथियों को भगाने के लिए कोई पहल नहीं कर रही। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के उत्पात से इलाके में दहशत है और दहशत से बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।